दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40 बाई 40 हाउस प्लान की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मॉडल स्क्रीन पर, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे फुल। और इसका साइज की अगर हम बात करें तो 40 फीट चौड़ाई है और 40 फीट की लंबाई है। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन दिया है यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर आप पूरा देख पाएंगे विद कार पार्किंग है 40 बाई 40 का फिलहाल, क्योंकि 40 बाई 40 काफी जगह होती है। और यहाँ पर आपको बेहतरीन सा मॉडल डिजाइन करके दिया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर हमें 40 बाई 40 का मॉडल डिजाइन करके दीजिए, तो उन्हीं के कहने पर ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप कोई भी प्लान चाहते हैं 40 बाई 40 का या अदर कोई प्लान आपका जो भी सुटेबल हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपका हो सकता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका मॉडल डिजाइन कर दें, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं, बट किसी न किसी एक का मैं मॉडल जरूर डिजाइन करता हूं। तो आज उन्हीं के कहने पर भी 40 बाई 40 का मॉडल डिजाइन किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान। यहां पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं हाउस प्लान से रिलेटेड। आपका कोई भी मॉडल हो, किसी भी साइज का, आपको जरूर ना जरूर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। आप देखकर एक आइडिया ले सकते हैं, अपने घर को डिजाइन करवा सकते हैं। तो स्मॉल हाउस प्लान को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सके। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसा कि आप फ्रंट से देखिए, मॉडल आपको दोस्तों ऐसा दिखने वाला है। अगर साइड व्यू देखिए तो फिलहाल ऐसा दिखेगा और टॉप से आपको ऐसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले हमेशा के तरीके से हम इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट, जो कि मैं लगातार आपको पहले ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूं। तो जैसे ही मॉडल को हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, देखिए इसकी दीवारें जो भी सारी हाइड हो जाती है, सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंसी में मॉडल दिखता है बिल्कुल हूबहू, सेम टू सेम। आप टॉप से देखें, साइड से देखें, राइट से देखें, फ्रंट से देखें, कहीं से भी देखें, मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला होता है। तो चलो इसकी हम ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके और डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके प्लान। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हो तो आपका फिर से वही ओरिजिनल पोजीशन पर मॉडल आ जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका हम ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आपको ग्राउंड फ्लोर ऐसा दिखने वाला है। देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, और जैसे जूम करते हो तो ये देखिएगा मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। और जैसे आप यहां से एंट्री करते हैं, ये काफी बड़ा स्पेस मैंने लीव कर दिया। यहाँ पर आप कार पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा प्ले ग्राउंड भी डिजाइन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और जैसे आप यहाँ से मेन जो एंट्री है, अगर हम इस रूम की बात करें, यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा हॉल दिया है मैंने आपका, किसी भी यहाँ पर गेस्ट या किसी के लिए आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, बड़ा सा हॉल है ये। और इसका गेट मैंने फ्रंट से और विंडो भी दी है, और इसका गेट फिलहाल मैंने साइड से नहीं दिया है, क्योंकि फ्रंट से एक पहले ऑलरेडी मैं गेट दे चुका हूं। और आपको जैसे अंदर एंटर करना, तो इसके लिए आपको ये गेट से एंट्री करनी पड़ेगी। और आप यहां जैसे आते हैं अंदर, तो ये तो एक आपको हॉल मिल जाता है, सबसे पहले दो आपको मिल जाते हैं 10 बाई 12, 10 बाई के दो रूम इस साइड में, जिसके आपका देख पा रहे हो डोर ये है दोनों के। और ये आपका है किचन, ये आपका दोस्तों है किचन, और ये आपका एक बेडरूम है यहाँ पर मिल जाता है, ये आपका लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड मैंने दिया है। और आप स्टेयर से जो मिल जाती है, बाहर से ही मैंने स्टेयर से दी है, जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये मॉडल जिसमें आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 रूम है, एक बड़ा सा हॉल टाइप का है, और ये आपका फ्रंट में जगह मिल जाती है, ये किचन है, ये आपका लेटरिन बाथरूम, ये स्टेयर्स, यहाँ पर आप कार पार्किंग या प्ले ग्राउंड भी कर सकते हैं। रही बात इस हॉल की, इस हॉल को मैंने अंदर से भी एंट्री के लिए गेट दिया है, आप अंदर से भी एंटर कर सकते हैं, और फ्रंट से तो फिलहाल कर ही सकते हैं। फिलहाल ये दो मैंने विंडो दे दी है वेंटिलेशन के लिए, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चाहते हैं और बेहतरीन वेंटिलेशन, तो फ्रंट पे जहां पे ये स्टेयर्स हैं, इसके नीचे से भी आप वेंटिलेशन का इंतजाम कर सकते हैं, आप कोई भी विंडो या कुछ भी लगवा सकते हैं। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में मैंने डिजाइन कर दिया है बंगला टाइप का, जो कि आपको बेहतरीन लुक देगा, और एक कार पार्किंग के लिए भी जगह है। तो ये पूरा मॉडल हो गया। अगर इसका आपको साइज जाना है तो हमारी वेबसाइट है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइएगा, वहां पर आपको सारे साइज मिल जाएंगे। अब हम ले चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर फिलहाल सेम टू सेम कोई डिजाइन मैंने चेंज नहीं किया है, वही पूरा है। सिर्फ ये रेलिंग आपका थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है, 2.5 फीट का रेलिंग निकल आता है आगे फ्रंट से, ये राउंडेड रेलिंग दिया है मैंने, जो कि आपको इस डिजाइन को और भी बेहतरीन बनाएगा। तो ये तो फर्स्ट फ्लोर की बात होगी। जो ग्राउंड फ्लोर था, सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर है, कोई चेंजमेंट नहीं है, वही पूरा डिजाइन मैंने यहाँ पर दिया है। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो उस पर भी कोई डिजाइनिंग नहीं है, फिलहाल सिर्फ बाउंड्री चारों तरफ दे दी है, रेलिंग दे दी है, और ये आपका जो स्टेयर्स आई थी, सीढ़ियां आई थी, उनको ढक दिया है एक झोपड़ी टाइप का मॉडल क्रिएट करके। तो ये पूरा मॉडल 40 बाई 40 विद कार पार्किंग था, जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर डिजाइन किया। आपके मॉडल कैसा लगा
लाइक प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तथा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। काफी मेहनत पड़ती है दोस्तों कोई मॉडल क्रिएट करने में, तो हमारा आप मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप प्लीज इसको लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर मेरा पेज है न्यू टेक, उसको आप जरूर फॉलो कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दें, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दें और उनको मॉडल चेक कराएं कैसा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार लेटेस्ट